सो गाइस आईपीएल 2022 में दो नई टीम्स का एडिशन होने वाला है एंड इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी प्रोबेबली आईपीएल में एक टीम को परचेस कर सकते हैं। आगे आपको इसके बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको क्रिकेट के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए देन अभी जाके सब्सक्राइब करो क्रिकेट किंग फिक्सर का टेलीग्राम चैनल, बिकॉज इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा, टॉस, मैच सेशन, स्पॉट न्यूज, क्रिकेट न्यूज, टीम प्रेडिक्शन, ड्रीम इलेवन टीम, ग्रैंड लीग टीम, सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सो गाइज आईपीएल 2021 मतलब अभी फिलहाल आईपीएल में 8 टीम्स हैं एंड दो नई टीम्स का एडिशन होने वाला है आईपीएल 2022 में, यानी कि आईपीएल 2022 में हमें टोटल 10 टीम्स देखने को मिलेगी। अभी देखो आईपीएल में जो फिलहाल 8 टीम्स है ना, उसमें से तीन जो टीम है वो नॉर्थ इंडिया की है, पंजाब, दिल्ली एंड राजस्थान। अभी देखो आगे मैं आपको और बताऊंगा कि इंडिया के जो अदर पार्ट्स है लाइक ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, इसकी कितनी टीम्स हैं एंड फिर आपको पता लगेगा कि जो दो पार्ट है उसके साथ थोड़ा अनफेयर हो रहा है बिकॉज वहाँ की टीम बहुत कम है, वहीं पर दो जो पार्ट है उसकी बहुत ज़्यादा टीम्स है। तो ये आप कह सकते हो बीसीसीआई को थोड़ा न्यूट्रल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा सभी पार्ट्स को। नॉर्थ इंडिया के बाद हम आते हैं साउथ इंडिया पे। तो साउथ इंडिया की भी बहुत सारी टीम्स हैं आईपीएल में, लाइक बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद। इसका मतलब साउथ की भी 3 टीम्स है। अगर हम साउथ एंड नॉर्थ की टीम्स को मिला दे तो टोटल 6 टीम हो जाता है, मतलब 8 में से 6 टीम नॉर्थ एंड साउथ का मिला के है। यानी आप सोचो सिर्फ 2 टीम्स बची ईस्ट और वेस्ट में, फिर मतलब क्या ही डिवीजन हो पाएगा। बात करें वेस्ट इंडिया के बारे में तो वेस्ट इंडिया की सिर्फ एक ही टीम है जो कि है मुंबई इंडियंस। वेस्ट इंडिया में प्रोबेबली एक और टीम का एडिशन होने वाला है नो डाउट, जो कि गुजरात होने वाली है। अभी फिलहाल एक टीम है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगर हम आखिरी पार्ट पे आए जो कि ईस्ट इंडिया है, तो ईस्ट इंडिया में बहुत वैसे तो कम स्टेट्स हैं जिसमें से एक टीम है ईस्ट इंडिया की जो कि कोलकाता है, कोलकाता नाइट राइडर्स, वेस्ट बंगाल। तो जैसा हमने अभी देखा कि 3 टीम्स नॉर्थ इंडिया की है, 3 टीम साउथ इंडिया की है, 1 टीम वेस्ट इंडिया की है और 1 टीम ईस्ट इंडिया की है। अभी देखो ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया के साथ थोड़ा अनफेयर हो रहा है अगर आप देखो तो, बिकॉज मिनिमम तो 2-2 टीम्स होनी ही चाहिए। चलो कोई नहीं, अब दो नई टीम्स का एडिशन होने वाला है तो होप करेंगे कि साउथ और नॉर्थ की कोई टीम ना आए और थोड़ा सा न्यूट्रल किया जाए कंपटीशन को। ईस्ट की 2 टीम हो, वेस्ट की 2 टीम हो एंड साउथ और नॉर्थ की 3-3 टीम्स आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो दो नई टीम्स हो वो ईस्ट और वेस्ट की हो, जिसमें से एक टीम आप कंफर्म समझ सकते हो गुजरात की, जिसको प्रोबेबली अदानी खरीदेंगे, तो वो एक टीम हो गई वेस्ट इंडिया की। तो इसके बाद 2 टीम्स हो गई वेस्ट इंडिया की, लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया की जो टीम है वो सिर्फ एक है। ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट्स के बारे में आपको बताता हूँ, लाइक बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया और चौथा जो है वो वेस्ट बंगाल है, जिसमें से वेस्ट बंगाल की जो एक सिटी है कोलकाता उसकी टीम ऑलरेडी है। लेकिन बिहार, झारखंड और ओडिशा, इसमें से किसी एक स्टेट की टीम आनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप सबसे ज़्यादा चांसेस पूछो तो सबसे ज़्यादा कम मुझे बिहार का लगता है, वैसे मैं बिहार से ही हूँ, कोई कमेंट ऐसा मत करना। सेकेंड लास्ट पे मुझे ओडिशा का नाम आता है और सबसे ऊपर अगर मेरे अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया से अगर कोई टीम आ सकती है तो वो मेरे हिसाब से झारखंड की टीम आएगी। अगर आप पूछो झारखंड की टीम को खरीद कौन सकता है, नो डाउट महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है, लोकल बॉय हैं वो भी झारखंड के ही हैं, यानी कि रांची के। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद रांची की एक टीम आए जिसको महेंद्र सिंह धोनी खरीदे, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी हमेशा बोलते हैं चेन्नई मेरा सेकेंड होम है, फर्स्ट होम सभी को पता है जहाँ पर वो बॉर्न हुए थे, यानी कि झारखंड। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर झारखंड की टीम आएगी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जैसा मैंने आपको एक एक करके बताया, वेस्ट की कितनी टीम है, साउथ की कितनी टीम है, नॉर्थ की कितनी टीम है, तो उसमें मैं पता लगा कि ईस्ट के साथ एंड वेस्ट के साथ अनफेयर हो रहा है। लेकिन वेस्ट की एक टीम कन्फर्म है गुजरात, तो ईस्ट की भी एक टीम आप ऑलमोस्ट कन्फर्म समझ सकते हो और वो टीम मेरे हिसाब से झारखंड की होगी, रांची की, उसका नाम रांची करके कुछ होगा और उसको मेरे अकॉर्डिंग महेंद्र सिंह धोनी खरीद सकते हैं। कॉमेंट्स में लिखकर बताओ आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या बीसीसीआई को न्यूट्रल कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, लाइक ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया की एक एक टीम लानी चाहिए नहीं। अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो जो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगे आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।